वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इस लेक्चर में इनडेप्थ में स्टडी करने वाले हैं। देयर आर फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फर्स्ट हम देखेंगे लैंड। लैंड इन इकोनॉमिक्स इज अ वाइडर कंसेप्ट। ये एक नेचुरल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है। नेचुरल रिसोर्सेज दैट इज अवेलेबल ऑन द अबव, मीन्स अबव द सर्फेस एरिया और बिलो द सर्फेस एरिया, ये दोनों ही लैंड के अंडर में आते हैं। जिससे हमें मिनरल्स फाउंड होते हैं बिलो द सर्फेस एरिया ऑफ द अर्थ एंड वाटर ऑन द अबव, जो हमें सरफेस पे मिलता है अबव द सर्फेस एरिया ऑफ द अर्थ, तो ये लैंड के अंदर आते हैं। और ये इनकी जो अर्निंग्स है वो कैसी है, रेंट है, मीन्स इन्हें रेंट मिलता है, ठीक है। सेकेंड लेबर। लेबर एक ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ये अंडरलाइन करके रखे हैं, ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। और एनी फिजिकल और मेंटल एफर्ट्स अंडरगॉन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन टू अर्न द रिवॉर्ड ऑफ वेज इज कॉल्ड लेबर। ये डेफिनेशन है लेबर की, आपको लिखनी है, ठीक है। जो भी फिजिकल और मेंटल एफर्ट्स करते हैं प्रोडक्शन के लिए और जिन्हें वेजेस मिलता है वो क्या कहलाते हैं, वो लेबर होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिया गया है अकाउंटेंट, कारपेंटर एक्सेट्रा, ओके। थर्ड है हमारा कैपिटल। कैपिटल इज थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कैपिटल में क्या क्या रहेगा आपका, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर इंटरेस्ट मिलता है कैपिटल में, ठीक है। ये एक मैनमेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। यहाँ पर बात हो रही है इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। आप किसी चीज़ को मतलब जैसे किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे मशीनरी, टेक्नोलॉजी, फैक्ट्री बिल्डिंग एक्सेट्रा। अब हम फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देखते हैं, एंटरप्रेनर, ठीक है। एंटरप्रेनर इज द ऑर्गेनाइजर। ये कौन होता है, ये ऑर्गेनाइजर होता है और ये रियल कैप्टन ऑफ द इंडस्ट्री होते हैं, ठीक है। और इनको अर्निंग में क्या मिलता है, इन्हें प्रॉफिट मिलता है। अब हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। डिवीजन ऑफ फैक्टर रिवॉर्ड अमंग द डिफरेंट सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। जो हमारा जो रिवॉर्ड है वो हम डिफरेंट सेगमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्लेम करते हैं देयर रिवॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ, जैसे कि उनको रिवॉर्ड मतलब जो अर्निंग होती है बेसिकली उनकी क्या होती है, रेंट होती है किसकी, लैंड की। वेजेस कौन किसको मिलता है, लेबर को। इंटरेस्ट कौन गेन करता है, कैपिटल। और प्रॉफिट एंटरप्रेनर को। एक्सचेंज सी पॉइंट, इट इज़ गिव एंड टेक रिलेशनशिप, ये एक्सचेंज कहलाता है। मतलब जैसे यहाँ पर सेल एंड परचेस की बात हो रही है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इन इकोनॉमिक्स क्या है, एक्सचेंज इज अ नेसेसरीली अ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। अब इकोनॉमिक्स के सेंस में बताया जाता है कि यहाँ पर एक्सचेंज ज़रूर हो रहा है सेल एंड परचेस ऑफ गुड्स एंड कमोडिटीज, बट इन अ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, मतलब मॉनेटरी टर्म में हो रहा है, वहाँ पर पैसे की बात हो रही है, ठीक है। डी है कंजप्शन, इट इज़ अ मेकिंग यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सैटिस्फाई ह्यूमन वॉन्ट। हम किसी भी गुड्स या कमोडिटी को खरीद रहे हैं अपने वॉन्ट को सैटिस्फाई करने के लिए, तो वो क्या होता है, हमारा कंजप्शन का पार्ट होता है। अब हम बी मैक्रो इकोनॉमिक्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर ही हमारे फोर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कम्प्लीट होते हैं विथ डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजप्शन। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ अ फ्रेंड्स। थैंक यू।